हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds मैक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। ये ट्यूटोरियल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मॉडिफायर्स की हेल्प से हमारे बहुत से काम ईजी हो जाते हैं। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ मॉडिफायर्स को यूज़ करेंगे। वैसे 3ds मैक्स में मॉडिफायर तो बहुत सारे हैं, अगर सभी का यूज़ बताने बैठे तो ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इनमें से कुछ को यूज़ करके देखेंगे और बाकी आने वाले ट्यूटोरियल में यूज़ में आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफायर्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के ट्यूटोरियल के लिए एक बॉक्स ले लेते हैं। और हम लोगों ने ये एक बॉक्स जो है क्रिएट कर दिया है। इसकी हम लोग डेप्थ थोड़ी सी कुछ कम कर देते हैं। एंड मॉडिफायर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को आना होगा मॉडिफाई टैब में, जहाँ पर हमको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलता है मॉडिफायर लिस्ट का। इसमें हम लोगों को हमारे सभी मॉडिफायर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं बैंड मॉडिफायर। बैंड मॉडिफायर में हम लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि है एंगल, डायरेक्शन और बैंड एक्सिस। तो सभी मॉडिफायर्स के अपने अलग अलग पैरामीटर्स होंगे जिनको हमें यूज़ करना होगा। तो ये हमारा इस टाइम जेड एक्सिस में बैंड हो रहा है। यदि हम लोग एक्सिस चेंज करते हैं तो हमारा इफेक्ट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अब डिफरेंट एक्सिस पे जा चुका है। एंड दिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमारा इस टाइम ऐसा हो चुका है बैंड। एंड अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। एंड एंगल चेंज करते हैं तो एंगल चेंज हो जाएगा। ये जो हम लोगों का बॉक्स है, इसमें हम लोगों ने कुछ भी सेगमेंट्स नहीं लिए, तो इसलिए ये हमारा अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है बैंड मॉडिफायर। जैसे ही हमने इसके सेगमेंट्स बढ़ाए हैं, बिकॉज मॉडिफायर्स वर्क ऑन सेगमेंट्स, तो जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स होंगी, जितनी हमें स्मूथनेस चाहिए उतनी हमें स्मूथनेस मिलेगी। एंड ऐसे ही हम लोग हाइट के भी कुछ सेगमेंट्स दे देंगे, इसलिए हमारा जो है बैंड मॉडिफायर का पहले इफेक्ट नहीं आ रहा था, बट अब हमने सेगमेंट्स इसके इंक्रीज कर दिए हैं। एंड दिस इज अवर बैंड मॉडिफायर। इसको हमने इस टाइम इस एंड डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस टाइम यह अपोजिट में हो चुका है, अपोजिट 180। एंड ऐसे ही करके हम लोग अपने मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मॉडिफायर। एंड इसमें हम लोगों को लिमिट इफेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें कि हम लोग अब यह लिमिट से अपर लिमिट जो है इसकी चेंज हो चुकी है। हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी एक साइड से मूव करना है तो, और हमें लिमिट इफेक्ट नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट पूरे ऑब्जेक्ट को भी रोटेट ऐसे कर सकते हैं। तो बॉक्स से हम लोगों ने सर्कल कर दिया है। मॉडिफायर्स हम लोगों को एनिमेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब हम लोग ये वाला मॉडिफायर इस पे से अभी डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ, जो कि है हम लोगों का लैटिस। लैटिस से हम लोग विंडो जैसा शेप बना सकते हैं। पहले हम लोग अपने बॉक्स की शेप को जो है थोड़ा ठीक कर लेते हैं लैटिस, जिससे कि मैं आप लोगों को लैटिस का यूज इस पर दिखा सकूं कि क्या यूज़ है लैटिस का। एंड हम लोग
लोग इसके लेंथ सेगमेंट्स कुछ थोड़े कम कर देते हैं एंड अब देखते हैं हम लोग इस पर लैटिस का यूज। अभी हमें एक विंडो जैसा मिल चुका है, साइड्स हमें इसमें 4 मिल रहे हैं, हम साइड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग एक विंडो टाइप बना सकते हैं एंड इसमें हमको ये जो कॉर्नर्स मिलते हैं इसकी रेडियस का ऑप्शन हमको लोगों को मिलता है, इसके रेडियस को हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अलग अलग मॉडिफायर्स के हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स मिलते हैं एंड यह था हमारा लैटिस मॉडिफायर। इसमें हम लोगों को बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ये क्या है स्मूथनेस का, ये हम लोगों को अब इफेक्ट पता चलेगा इसका, इट्स नाउ ऑन स्मूथ एंड नाउ इट्स स्मूथ। अब हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट को जो है डिलीट कर देते हैं एंड देन हम लोग अब क्रिएट करते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट सिलेंडर। एंड इसके मॉडिफाई पैनल में आके हम लोग इसकी थोड़ी सी हाइट को जो है इंक्रीज कर देते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट मॉडिफायर है टेपर, टेपर में हम लोग ऑब्जेक्ट को एक साइड से जो है उसकी उसको जो है बड़ा दिखा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस सिलेंडर के साथ किया है। इस मॉडिफायर की मदद से हम लोग इसको कोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों को मिलता है इसके कर्व का ऑप्शन, जिससे कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है बना सकते हैं। ये हम लोगों का सिलेंडर था जिससे हमने ये वाली शेप क्रिएट कर दी है। टेपर एक्सिस ऑन जेड एक्सिस, इस टाइम ये जो है जेड एक्सिस पे था एंड हम लोग एक्सिस चेंज भी कर सकते हैं इसमें। इफेक्ट ऑन जेड, इफेक्ट ऑन वाई, इफेक्ट ऑन जेड एंड वाई एंड इसमें भी हम लोगों को लिमिट ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलता है। एंड अब हम लोग अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को जो है डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक और बार, दोबारे से हम लोग बॉक्स बनाएंगे एंड मॉडिफाई पैनल में आकर के हम लोग इस पर यूज़ करने वाले हैं FFD, FFD 4x4, 3x3, 2x2, ये सभी हमारे एक जैसे हैं एंड FFD बॉक्स ये हमारे सभी एक जैसे हैं, बट इनमें जो है एजिस का फ़र्क है, जो कि हमें इसमें 4x4 की मिलती है, इसमें 3x3 एंड इसमें 2x2 एंड FFD बॉक्स में हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैं FFD 4x4 आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग ऑप्शन मिलते हैं कंट्रोल पॉइंट, लेटिस एंड सेट वॉल्यूम का। तो FFD 4x4 का यूज़ देखते हैं, आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने कंट्रोल पॉइंट्स पे आएंगे एंड देन हम लोग किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग इससे इसकी शेप को जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल मॉडिफायर फॉर अस। हम लोग किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उसकी शेप को जो है चेंज कर सकते हैं।
ये था हमारा FFT 4x4। एंड अब हम लोग अपने इसको जो है डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर है हम लोगों का रिप्पल। रिपल से हम लोग वाटर, सैंड और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं बना सकते हैं। रिपल में हम लोगों को गिज्मो गिज्मो का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि हम लोग इसके गिज्मो को जो है चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कई बार क्लॉथ्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों को कोई फ्लैग बनाना है और उसमें हम लोगों को यूज़ करना है, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे किसी फ्लैग जैसा। अब हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे और अब ले लेते हैं हम एक नया ऑब्जेक्ट, अपना एक न्यू बॉक्स ले लेते हैं अपने दूसरे मॉडिफायर्स के लिए। एंड मॉडिफाई पैनल में आकर के अब हम लोग यूज करेंगे मेल्ट को। एंड मेल्ट से हम लोग इसकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। एंड स्प्रेड अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड हमें इसमें सॉलिडिटी के ऑप्शन मिले हैं, जैसे कि आइस, ग्लास, जेली और प्लास्टिक, कौन सा मटेरियल जो है कैसे मेल्ट होता है, जिससे कि हमारी एनिमेशन सही तरीके से हो सके। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड आइस कैसे मेल्ट होती है इसमें हमको ये पता चल जाएगा। और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं। एंड मैं एक बार आप लोगों को एनिमेशन करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कैसे हम लोग इसको एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे तो हम लोगों की एनिमेशन जो है ये प्ले हो जाएगी। आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग एनिमेशन के बारे में भी सीखेंगे, बट अभी हम लोग अपने बेसिक से चल रहे हैं। तो अब मैं इन कीज़ को हटा देता हूँ जो मैंने एनिमेशन की कीज़ लगाई थी, जिससे कि हम लोग अपने ट्यूटोरियल को आगे की तरफ बढ़ा सकें। अब हम लोग इस पे से अपने इस वाले मॉडिफायर को डिलीट कर देंगे एंड नया बॉक्स, न्यू ऑब्जेक्ट लेकर के अब हम लोग अपना अगला मॉडिफायर देखेंगे मॉडिफाई पैनल में आकर के। एंड अब हम लोग यूज़ करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री मॉडिफायर का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं कि हम लोगों को वो हाफ़ बनाने होते हैं और उसके बाद हाफ़ उनका सिमेट्री करना होता है। कि हमने इस टाइम एक्स एक्सिस में सिमेट्री ले लिया है। एंड अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मिरर के ऑप्शन पे जाकर हम लोग अपनी सिमेट्री को अलग करके देख सकते हैं। एंड इसमें हम लोगों को एक
अलग अच्छा ऑप्शन भी मिलता है जो कि है वेल्ड सीम का। जैसे कि मैं इसको इसके पास लेके आ रहा हूँ तो इसके जो सीम्स हैं वो अपने आप ही वेल्ड हो रहे हैं। वो इस ऑप्शन पे राइट क्लिक, आपका टिक मार्क होना चाहिए तो ही होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।